It's almost 2:30 on the dot. Mehul Shruti, aapke saath right here on 89.1 Radio 4. Number one for hit gun. We're starting something special from today. Jab aapko yoga ke baare mein one-on-one conversations karne ka mauka milega with none other than Dr. Bharat Thakur from Bharat Thakur Artistic Yoga. He's here today. We're talking about stress, depression. And we actually have two questions jo ki main aapke saath mein share karna chahungi. Okay, toh pehla question hai, inhone apna naam nahi likha, but he says or she says, yoga question, how would yoga help people trying to get off those antidepressants and avoid those side effects also? बिल्कुल. So yoga यदि आप regular करने लगते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि yoga is a movement meditation. तो यदि meditation शुरू किया आपने, तो हजारों research findings है आज दुनिया में available, Stanford में, Harvard में, जहां दे आर टॉकिंग अबाउट दैट रोल ऑफ मेडिटेशन इन डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस. यू नो, सो वो जो नेगेटिव फीलिंग जो बार बार आता है ना, वो धीरे धीरे नेगेटिव फीलिंग कम होने लगेगा बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा. ओके, जैसे व्हेन वी डू योगिक पोस्चर, व्हाट डज आवर बॉडी गोज थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, सेलुलर रीजनरेशन. एक वर्ड जिसको हम कहते हैं ना कि दवाई ठीक करता है और योगा हील करता है. है ना, कि दवाई जो है वो तो इमरजेंसी के लिए सबसे बढ़िया है. दवाई से बढ़िया इमरजेंसी, जैसे आपको बहुत ज्यादा पैनिक हेडेक हो गया, तो उसमें इमीडिएटली योगा नहीं काम करेगा, पर आपके बैक ऑफ द माइंड यदि आपको पता है कि मुझे पैनिक में हेडेक होता है, सो यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स लाइक कपालभाति, प्राणायाम. कहीं ना हम लोग ये जो बॉडी के टॉक्सिन्स है ना, उसको रिलीज करने का तरीका नहीं सीख पा रहे हैं, जिसके कारण वो नेगेटिव जो थॉट है ना, वो जो 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 फीलिंग है ना, कि बार बार वही चीजें दिमाग में आना. सो बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा, योर मसल्स विल बी इन आइडियल मसल टोन. Your mind will be more relaxed and calm. By regular meditation and yoga, you will be able to sleep well. So, यदि anxiety और stress को दूर करना है, depression को कम करना है, तो पहले तो आप थोड़ा सोना ज्यादा शुरू कीजिए. Okay. 9 hours sleep is compulsory for you. यदि आप एक दिन miss कर गए हैं, कम हो गया, तो अगले दिन रात में थोड़ा उसको cover up कीजिए. Okay. So body has that healing mechanism. Okay. दूसरा, हमारे जितने जो जॉइंट्स है उसपे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ब्रेन को बताता है कि भैया ये मसल्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है. तो उससे कुछ हॉर्मोन्स है, जूसेस है बॉडी के, जो रिलीज होते हैं, जो आपके लेवल ऑफ स्ट्रेस, लेवल ऑफ एंजाइटी धीरे धीरे कम करने लगेगा और आपकी दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगेगी. नेक्स्ट है प्राणायाम, वर्क्स वंडर्स. प्राणायाम कहने का मतलब सिंपल है, आप सिर्फ पीठ के बल लेट जाइए और श्वास को गहरी गति से अंदर लीजिए और सोचिए. कई है मेथड, मतलब देयर थाउजेंड्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आई टीच ऑनलाइन आल्सो मायसेल्फ. ओह यस, आप बता रहे थे इनफैक्ट कि आपकी ऐप भी है जिसके थ्रू इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू द स्टूडियोस, यू कैन डू इट व्हेरेवर दे आर. यस, वी हैव अ, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर भरत ठाकुर आर्टिस्टिक योगा. और वहां पर हम लोग एवरी डे वी चेंज द क्लास एंड द होल क्लास स्टेज देयर फॉर 1 hour. One hour class stays there for one full day, 24 hours. And you have time in the evening, night, morning, afternoon. खाली ये देखिएगा, 2 घंटा खाना खाने के बाद ही योग करें, नहीं तो वो आपको बॉडी के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद इमीडिएटली बॉडी एक प्रोसेस में जाता है जो खाने को डाइजेस्ट करना, उसमें आप योगा करने लगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है. राइट, गॉट इट. सो मेक श्योर 2 hours ऑफ गैप यू गिव. प्राणायाम जो है, अब प्राणायाम से हमारे दवाई जो एंटी डिप्रेशन पिल्स है वो कैसे कम होगा? देखिए, आप जैसा महसूस करते हैं ना, वो आपका ब्रेथ पैटर्न है. अच्छा, है ना. कि यदि आप गुस्सा या स्ट्रेस रहेंगे तो आपका ब्रीदिंग बहुत शैलो और फास्ट हो जाता है. वो इसलिए क्योंकि फाइट और फ्लाइट मोड में बॉडी चला जाता है. और वहां पर आपकी गला जो ट्रैकिया वो खुलता है एक्चुअली, सो दैट बॉडी कैन टेक मोर ऑक्सीजन. इंस्टेड यदि आप रेगुलेट करना शुरू कर दें, है ना, क्योंकि आप जो 15-20-25-30 मिनट प्राणायाम करेंगे वो आपको अगले 24 घंटे का ब्रेथ पैटर्न चेंज कर देगा. वाओ, ओके, यू गॉट इट. यू डोंट डू, बिकॉज़
एक पेन साइकिल होता है दिमाग में. पेन साइकिल मतलब पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, और वहां पर पैटर्न बदलेंगे तो पेन साइकिल भी टूटने लगता है एंड यू फील मच बेटर. सो प्राणायाम के एक जो मेथड है वो ये है कि सिंपल आप पीठ के बल लेट करके, या तो आप सोचिए कि ये देखिए अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है उसको हम लोग ईडा नाड़ी कहते हैं, राइट नॉस्ट्रल को पिंगला कहते हैं, और स्पाइन के बीचों बीच एक नाड़ी है, योग कहता है उसको सुषुम्ना. जैसे ही आप सुषुम्ना को एक्टिवेट करने लगेंगे आपके स्ट्रेस लेवल यूं ही कम होने लगेगा. सो वो अब आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उंगली डाल के तो उसको मसाज नहीं कर सकते हैं. Right. तो वो ब्रेथ बॉडी से किया जा सकता है. तो जो ये आप ऐसा मानिए पीठ के बल लेट करके या बैठ करके, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर लेवल ऑफ फिटनेस, नी पेन नहीं है, चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, वो है कि श्वास को महसूस कीजिए कि अंदर जा रहा है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड के टेल ऑफ द बोन तक जा रहा है, और फिर आप एक्सहेल करें. Wow. So, इस प्रोसेस को आप धीरे धीरे डीप लॉन्ग डीप लॉन्ग. सी क्या होता है कि हम लोग एफर्ट नहीं कर रहे, हम लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ. एंड योगा इज अ एक्ट ऑफ डूइंग, योगा इज नॉट एक्ट ऑफ नोइंग. हम कितना अच्छा जानते हैं कि लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए, हमको अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन करना होगा इसको. आप ही कहते थे ना योगा से ही होगा, तो योगा करने से योगा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा? राइट. सो दैट्स राइट. बट जैसे हम कहते हैं ना खाने में, तो कितना वेजिटेबल खाऊं बॉडी के लिए अच्छा है, कितना फ्रूट्स खाऊं. देखिए एक मील है आपका, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, क्या उसमें से 50% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है कि नहीं? यदि 50% नहीं है तो आप अन्न ज्यादा ले रहे हैं. अन्न ज्यादा लेने से भी आपके बॉडी का पैरामीटर्स चेंज होने लगता है. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. जैसे कोई डायबिटिक है तो वो फ्रूट को थोड़ा कम करके वेजिटेबल बढ़ा सकते हैं, यू नो. सो दिस ऑलवेज इफ यू हैव चेक्ड योर ब्रेकफास्ट टुडे, सिंपल मेरा तो मानना ये है कि जितने गुडीज है ना उसको दूध में डालिए, एक मिक्स करके उसमें हनी डाल के, चाहे ब्लूबेरीज, ब्यूटीफुल, यहाँ तो ब्लूबेरीज इतना मिलता है, हमारे वहां तो कम मिलता है, लेकिन आजकल मिलने लगा इंडिया में भी, लेकिन यहाँ तो एकदम इजीली अवेलेबल है और अप्रोच में है. जी हाँ जी हाँ. सो जितने हमारे जो फूड है जो आपकी बॉडी को हीलिंग को प्रोग्रेस करे, यू नो, सो यू शुड एड दैट. और आज से, आज का जो डिस्कशन है उससे आपका खाने के बारे में बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है, यदि नहीं याद रखा है आपने तो फिर से बताता हूँ. आपके खाने में 50% फ्रूट्स वेजिटेबल हर मील में है या नहीं? Ask that question to yourself, and if you've got actually more questions, you can also give them a call on 800 yoga. That's 800-9642 for you know, for starting off. It is important ke aapko ye to samajh mein aaye ki aapki problem kya hai. Yahan pe ek sawal aur aaya hai Mansoor ka, wo kehta hai ki hame kabhi kabhi pata hi nahi chalta ki hum depression mein hain. To kaise hum identify kar sakte hain ki ye problem hai hamari? Bahut aasan hai. Aapka sleep cycle kharab ho jayega. अच्छा. यदि आपका स्लीप साइकिल खराब हो रहा है, यानी कि आपको रात में बहुत देर तक नींद आ रहा है, आप ज्यादा इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे हैं रात में सोने से पहले, इसका मतलब आप उस तरफ जा रहे हैं. अच्छा, ये बाय हैबिट नहीं हो सकता कि वो इंटरनेट स्क्रोलिंग जो है वो तो नींद नहीं आ रही, आदमी को नींद नहीं आया रात में तभी तो वो स्क्रोल करेगा ना. अच्छा, यदि आप बहुत थके हुए हो तो वो होना ही नहीं. दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो तो क्या होगा, थकान नहीं होगा, है ना, तो भी नींद नहीं आएगी. नींद नहीं आएगा. आप जो वहाँ काम करते हैं धूप में दिन भर, उनसे पूछे शाम को उनको कोई बेड चाहिए, कहीं पे भी सुला दो, सो जाएगा. सो दैट्स व्हाई फिजिकल एक्सरसाइज हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई टीच योगा, प्रमोट योगा, बट इफ यू कांट डू योगा, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, एक्सपोज योरसेल्फ टू सनलाइट, एक्सपोज योरसेल्फ. हमारा विटामिन डी बहुत खराब हो रहा है, पूरा ओवरऑल विटामिन डी के लिए 10 से 15 मिनट आपको धूप में रहना ही रहना है, चाहे कितनी गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, थोड़ा धूप को लेना शुरू कीजिए. तो बॉडी में तो आप, अच्छा पहला हमने बताया, जो सवाल का जवाब दे देते हैं, पहला बताया कि आपका स्लीप साइकिल खराब होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा. क्या डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ तो होगा, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है. कि यदि आपको लग रहा है कि मतलब आप स्टमक को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यू नो, एंड यू गोइंग रॉन्ग आवर्स,
Wrong hours, matlab, not first thing in the morning. Morning, not able to clean up properly. Okay. You know what I mean? 10 बार जा रहे हैं क्योंकि वो फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं वो असर कर गया है आपको. तीसरा है प्रीमैच्योर एजिंग. यदि आप देखिए आपके स्माइल लाइंस और बुढ़ापा फेस पे बहुत ज्यादा दिखने लगा है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस, आपको प्रीमैच्योर मतलब आप 50 के हैं और 60 के दिखने लगे, 70 के दिखने लगे, आप 30 के हैं और 40 के दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन का, आप डिप्रेशन के पास जा रहे हैं. यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज इंटरनल ऑर्गन बता रहा है आपको. सी हमारा जो, जैसे हम बल्ब जलाते हैं ना तो किस तरह लाइट हो जाता है. करेक्ट. और उसी तरह आप उठे सुबह और ऐसा लगे कि थकान सा है, सोने के बाद भी यू नॉट फ्रेश. यू नॉट फ्रेश, दैट शोज दैट यस समथिंग इज हिटिंग मी बैडली इनसाइड एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. कुछ नहीं, समंदर है यहाँ तो सी है, एंड सी बात यू वोंट बिलीव द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सी बात. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च फाइंडिंग सेज दैट जस्ट खाली समुंदर के पानी में जाके थोड़ी देर डिप करो, थोड़ी देर उसमें रहो, यू विल सी द हेल्थ बेनिफिट्स इन योर बॉडी. दिस इज एंड वी हैव अ गिफ्ट, दुबई हैज द बेस्ट सी, क्लीनेस्ट सी. मतलब यहाँ पे सच में नहा सकते हैं. बॉम्बे में नहाना थोड़ा मुश्किल है. सो यू हैव दैट, यू हैव बेस्ट ऑफ गार्डन्स. यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक्स है यहाँ समुद्र के किनारे. जस्ट गो आउट, गेट आउटडोर, गेट लीव योर मैच बॉक्स, लीव योर मैच बॉक्स. मैच बॉक्स मतलब आपका वो घर की डिबिया. कमरे नो, पीपल नाउअडेज डोंट वॉक. वॉक मतलब घर में एक चेयर पे बैठे हैं तो सुबह से शाम तक चेयर में बैठे हुए. यू नो, कुक समथिंग, डू समथिंग क्रिएटिव, फील दैट यू हैव टू bring in energy in your body. वो काम करिए जिससे energy activate हो body में. गलत thought क्यों आ रहे हैं? गलत thought इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सही thought के लिए कुछ कर ही नहीं रहे. Correct. Right. है ना? और सही thought के लिए कुछ नहीं करेंगे तो गलत विचार तो आएंगे. और गलत विचार आएंगे तो body disturb होगा. फिर दूसरा है कि आपकी pulse rate खराब हो रहा है. You know, 72 के नीचे रहे तो अच्छा है. हार्ट रेट, हार्ट रेट पे काम करना शुरू. ऐसा कहते हैं, ऐसा इंडिकेटर्स, ऐसा कहते हैं एथलीट्स जो होती हैं उनके सबसे बेस्ट 30, 42, 45 होता है उनका. मतलब यू कैन गो दैट मच आल्सो, दैट लो आल्सो, एंड दैट्स स्टिल फाइन. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब उतना हार्ट पे प्रेशर कम पड़ रहा है, हार्ट का मसल स्ट्रांग हो गया भाई दौड़ दौड़ के. करेक्ट. यू नो व्हाट आई मीन, एंड दैट्स व्हाई देखिए दुनिया के हर स्कूल ऑफ योगा और हमारे स्कूल ऑफ योगा में यही फर्क है. आर्टिस्टिक योगा is a complete new approach to doing yoga. It's a modern adaptation of the oldest. Oldest yoga. Because क्या होता था, जब मैंने शुरू किया था, जब मैं पहाड़ से नीचे आया था तो मैं योगा स्कूल्स में देखने लगा वही 40 आसन और ऐसा करते थे जैसे now you raise your leg. क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रहे हो? एनर्जी क्लास में, एक एनर्जी, दैट व्हाट यू सी इन आवर योगा क्लासेस, एनर्जी. दूसरा होता है कि आर्टिस्टिक योगा में हम 5 एलिमेंट्स, फिटनेस के 5 एलिमेंट होते हैं, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और एजिलिटी. फिर से सुनिए, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड एजिलिटी. आपको ये 5ों को डेवलप करना है तब आपकी फिटनेस, मेंटल और फिजिकल फिटनेस आएगी. करेक्ट. है ना? स्ट्रेंथ है कि आपके मांसपेशियों में कितनी ताकत है, एंड्योरेंस है कि आप कितनी देर एक एक्टिविटी को कर पाते हैं बिना थके हुए. है ना? बैलेंस है, देखिए बैलेंस आज कितना खराब हो रहा है. मतलब यस्टरडे आई वाज टीचिंग योगा क्लास एंड आई वाज मेकिंग पीपल जस्ट टू गेट अप एंड सिट डाउन एंड लाई डाउन, गेट अप, सिट डाउन एंड लाई डाउन. एंड वी वर नॉट एबल टू डू दिस. पीपल वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डू. मतलब सोचिए उठना बैठना आज की तारीख में मसल, ये सब सब मेमोरी है. जो बेसिक मूवमेंट है ना उसको जिंदा रखिए. यू नो, आप चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ा, दैट्स व्हाई वी इन फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड कॉर्पोरेट योगा वेयर वी कॉल इट डेस्कटॉप योगा. अच्छा. जी हाँ, कहने का मतलब स्ट्रेस दूर कर. आप सोचिए 8 घंटा 10 घंटा आदमी यदि स्क्रीन के ऊपर बैठा रहे, इफ समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर 8 to 10, 12 आवर्स अ डे, इमेजिन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द बॉडी एंड द माइंड. सो इंस्टेड आफ्टर एवरी 1.5 आवर यू जस्ट डू सम एक्सरसाइजेस राइट देयर
You know, like moving your shoulder, moving your neck, bending forward, stretching backward, raising, keep your back straight, raise your leg up and down. You know, contract your entire body tight. Hold it for a few minutes, few seconds, as long as you can hold your breath and release. तो उससे क्या होता है? Blood flow बढ़ेगा. और आँख बंद करके क्या होता है कि continuous screen, screen, screen देखने से आँख थकने लगता है. Correct. Right. वो थका, आप सिर्फ को लगता है कि थोड़ा आँख थक रहा, आँख नहीं पूरा शरीर थक रहा है. क्योंकि वो एक ही posture है. You know, make sure that you go between your screen time, walk, थोड़ा, take a break, go for a walk, थोड़ा 10-15 कदम आगे पीछे चलिए, तो वो भी बहुत impact करेगा, you know, so यदि आपको लग रहा है कि आपको depression के बारे में पता नहीं लग रहा है, और वहाँ पे पता लगेगा जब आप urgency में चले जाओगे and you will want immediate medical help, before that start something. Definitely, and I think you are already on the right path, Mansoor, because आपने ये awareness तो है. बिल्कुल. और अगर awareness नहीं है, तो उसके लिए भी 800 yoga will definitely help you out. That is the number जहाँ पे आप call करके उनसे बात कर सकते हैं, भरत ठाकुर artistic yoga से connect कर सकते हैं. Any question they have, they can always ask me online, and I'm here for an hour and will be happy to answer. Every Saturday, in fact, we're going to get together and we're going to talk about this. 800-9642 is the number where you can obviously give them a call. प्रीत कौर का एक क्वेश्चन है, वो हम थोड़ी सी देर में एक गाने के बाद लेते हैं. बिल्कुल. रेडियो 4 योगा आर विद श्रुति 39.1 रेडियो 4, एंड ये गाना मैं एक्चुअली भरत जी को डेडिकेट करना चाहूंगी. आपकी बातों में ऐसा उलझा जिया, हमें पता नहीं चला टाइम कहाँ जा रहा है. 2 to 3 वी गेट टुगेदर हियर टू टॉक अबाउट योगा एवरी सैटरडे. रेडियो 4 योगा आर विद श्रुति ब्रॉट यू बाय भरत ठाकुर आर्टिस्टिक योगा. Yeah, it is 2:48 right now. बस ये अगले 10 मिनटों में हम आपसे काफी सारी बातें करके आपको योगा के बारे में और बताने वाले हैं. लेकिन अगर आपके सवाल रह जाए, then you can always pick up the phone and call up on 800-9642 to get in touch with Bharat Thakur Artistic Yoga. So before going on this छोटा सा break, मैं आपसे बता रही थी कि प्रीत कौर एक है जिन्होंने मैसेज किया है, कह रही है कि आई एम सिंगल एंड आई एम डूइंग अ गुड जॉब, बट माई एंग्जाइटी लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. Because I lost my father and now I have family responsibility and no supportive partner. So, kya karna chahiye? Bilkul. Thoda sa me time ko nikalna hoga. Me time kehne ka matlab. Go for a walk every day. Go for a swim every whenever. So, aap alag-alag yoga ke saath-saath kuch aise activity, physical activity shuru kijiye. Jisse aapke wo anxiety level kam ho. Do some breathing exercise on regular basis. You know, then next is that responsibility ना बहुत खाता है आपको, है ना, क्योंकि you are multitasking, क्योंकि आपको यदि family को देखना है, office को देखना है, drive करना है, so you are really doing a huge amount of work. Also, you were not prepared for this responsibility because एकदम से आ गया, आप तैयार ही नहीं थे इसके लिए. जी, तो उसके लिए बस इतना ही है कि थोड़ा अपना ध्यान रखिए. आप डाइट्री इनटेक को सही कीजिए, है ना, वो आपके हाथ में है कि क्या खाते हैं, ये तो आपके कंट्रोल में है ना. सो ऐसे खाना नहीं खाइए जो स्ट्रेस को बढ़ाता है, ऑयली ग्रीसी फूड, आउटडोर फूड, यू नो, ईट फूड. थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप घर में खाना बना कर ले जाए. सो दिस विल हेल्प यू टू एटलीस्ट कीप योर गट हेल्थ हैप्पी. इफ योर गट हेल्थ इज हैप्पी, योर माइंड विल बी हैप्पी. देन थोड़ा नहीं, मान लीजिए आपके पास वक्त नहीं है योगा करने का, थोड़ा स्ट्रेचिंग शुरू कीजिए. स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जैसे हम सुबह उठते हैं ना, सुबह उठने के बाद हम कैसे एक यॉनिंग वाला मूवमेंट करते हैं, है ना, करते हैं ना, उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दीजिए. स्पाइनल कॉर्ड को बहुत फ्लेक्सिबल रखिए. देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में हमारा 32 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स जाता है, जो आपके बॉडी को पूरा अलाइव रखता है, पूरे बॉडी में एनर्जी लेवल्स को पहुंचाता है. सो योग कहता है 72,000 नाड़ी है अपने शरीर में. 72,000 नाड़ीज आर देयर, दे आर नाइदर आर्टरीज नॉर वेन्स. सो अलाउ द ची, अलाउ द फ्लो ऑफ प्राणा टू गेट बेटर, है ना. महसूस करना शुरू कीजिए कि थोड़ी देर जाकर के बीच के पास बैठना तो शुरू कीजिए. कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना मी टाइम को थोड़ा बढ़ाते रहिए, एंड यू विल रियली फील दैट यस देयर इज अ क्लासिक चेंज इन योर लाइफ.
बट इन जनरल ऑल्सो वर्क स्पेस में एंग्जाइटी के कोई भी ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे अदर डे कि बॉस अगर आ गया सिर्फ आपको बुला रहा है मीटिंग के लिए, दैट विल ट्रिगर इट. यू नो, किसी ऑफिस के कलीग के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया, आपको प्रेजेंटेशन करना है. हाउ टू डील विद वर्क स्पेस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन और स्ट्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ. हर चीज में अच्छा ढूंढिए, है ना. हर चीज में वो ढूंढिए कि मुझे ये नहीं मिला. कहते हैं ना, दिस द वर्ड इज दिस शैल ऑल्सो पास. यू नो, दिस वर्ड इज अ वेरी वेरी मैजिकल वर्ड. ये भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा जी. और प्रेजेंट को देखने लगिए. सिर्फ कुछ नहीं, एक पेड़ से पेड़ के पास जाके बैठ जाइए ना. पेड़ के पास जाएंगे धीरे 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 आपको ऐसा महसूस होगा कि बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज हो रहा है. यू नो, फ्रेश एयर में चलना शुरू कीजिए. सो डू समथिंग बाय विच यू रीइंफोर्स द बिलीफ दैट यू आर द बेस्ट. यू नो व्हाट आई मीन. वो रीइंफोर्स बिलीफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट आपके हाथ से जाने लगेगा. अरे बाप रे, है कि नहीं. क्योंकि आप अपने ऊपर डाउट 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 सेल्फ डाउट इतना ग्रो कर जाएंगे. उसी वो भी एक कारण है कि आप डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार होते हैं. यू नो, सो मेक श्योर दैट यू पुट एंड, कहते हैं ना, हर दिन एक एक घंटे का एफर्ट करना है. चाहे वो योगा हो, वॉकिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ नया सीखिए ना एंग्जाइटी को दूर करने के लिए. एक सवाल है हुजैफा का, हु सेज दैट मेरा बॉस मुझ पे रोज पिक करता है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ. क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए मेरे मेंटल पीस के लिए, या मैं वहां पे रहूं लड़ने के लिए? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर है एवोल्यूशन. आई हैव यू स्टॉप्ड इवॉल्विंग. So do things to evolve your skills. Do things by, देखिए ना क्यों बॉस पिक कर रहा है. कहीं ना कहीं इनकम्प्लीशन है ना अंदर. कोई भी बॉस किसी को यूं ही नहीं पिक करता, है ना. कहीं ना कहीं तो थोड़ा स्टडी, मतलब अपने इंटेलिजेंस पे काम कीजिए, अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए. क्या पता आप बहुत ज्यादा वजन बढ़ा चुके हैं. यू नो, आप वो फ्रेश फीलिंग नहीं दे रहे किसी को. हैप्पी रहना शुरू कीजिए. यू नो व्हाट आई मीन. हैप्पी पीपल, कितना भी स्ट्रेस आए, जस्ट से आई एम मैरिड टू हैप्पीनेस, इतना ही कह दीजिए ना अपने अंदर. तो धीरे धीरे बॉस का पिकिंग भी खत्म होने लगेगा, क्योंकि आप एवॉल्व करने लगे, आपका ऑरा क्लियर हो रहा है. आप एवोल्यूशन को मानने लगे. एवोल्यूशन मतलब, नाउ आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट डू एनी मिस्टेक नोइंगली अनोइंगली. उसके लिए साइंस ऑफ अवेयरनेस, वही योगा करता है ना. कि साइंस जो अवेयरनेस का जो कला है ना, जैसे आप ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ जाकर के एक घंटा मूवमेंट मेडिटेशन कर रहे हो और वो आपके डेली लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा. डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा, वो चेंज करेगा, क्योंकि आप चेंज होने लगे. यू नो, बी ओपन टू चेंज. यू नो, लीविंग द जॉब इज द इजिएस्ट थिंग टू डू. ऐसे यू नो, कोई भी चीज को छोड़ देना बहुत आसान है. वहां रहकर अपने आप को इवॉल्व कर उनसे बड़ा बनना, इसकी तैयारी शुरू कीजिए. इन अ वे डिफीट द प्रॉब्लम. यस, लाइफ इज टू टेक अप चैलेंज. लाइफ इज नॉट टू गिव अप. क्योंकि क्या पता अगला बॉस ऐसा ही मिले. जब तक आप बॉस नहीं बनते ये सिचुएशन तो रह सकती है. तो उसका कहने का मतलब, कहीं ना कहीं कमियां हैं हम में, है ना. उन कमियों को धीरे 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 दूर करते जाएंगे. यू विल सी द व्हाट यू कॉल, बॉस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर पुटिंग एन एफर्ट टू डू थिंग्स बेटर. डेफिनेटली. It was a great talk about stress and anxiety and depression today, Mr. Bharat Thakur, Dr. Bharat Thakur. But aap mujhe ye bataiye, you have any last thoughts, final thoughts before we wrap up the show? Main ek wrap up karne ke liye yahi bataunga ki ek round off kar deta hu ki regular meditation yoga karne se kya kya ho sakta hai. Ji, please. Ye aapka mood regulate karega. आपका सेटिस्फैक्शन जो होता है ना लाइफ का, वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा. रिड्यूसेस डिप्रेशन एंग्जाइटी सिम्टम्स, रिड्यूसेस द नेगेटिव फीलिंग्स, यू नो, इंक्रीजेस मैटर, ग्रे मैटर आपके दिमाग में बढ़ने लगेगा. आपका ब्रेन साइज बढ़ने लगेगा. ब्रेन साइज बढ़ेगा तो आप हर चीज को आप अच्छा कर पाएंगे. आपका क्या बोलते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे. क्रिएटिव इंसान तो फिर क्रिएटिव राजा हो जाता है. यू नो, इन्फ्लेमेशन बॉडी में, जितने इन्फ्लेमेशन होता है ना, दर्द,
सूज जाना, दर्द हो जाना, क्योंकि हम योगा से ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं. यू गॉट इट. एंड लास्ट इज टेलोमरेज. टेलोमरेज टेलोमरेज ये एंजाइम है आपके डीएनए जो डिप्लीट हो चुका है, डीएनए में जो ट्रबल आया है वो धीरे धीरे रिवायर होगा, ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगा एंड यू विल फील मच मच बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग. आपसे बात करके ना मुझे एक चीज ये समझ में जरूर आ रही है, जैसे कि खाना जरूरी है, जैसे कि पानी पीना, श्वास लेना जरूरी है, वैसे ही योगा इज नॉट जस्ट अबाउट यू ट्राइंग टू लूज वेट एंड बी फिट फिजिकली. इट्स नॉट एन एक्सरसाइज. इट्स नॉट एक्सरसाइज, इट इज योर स्टाइल ऑफ लिविंग. इट्स यू. यस, इट्स अ पाथ ऑफ इवॉल्विंग. करेक्ट. कहते हैं ना एक इवॉल्व आदमी डिटेल देखता है, एक इवॉल्व आदमी गहराई से सोचता है, गहराई से बोलता है. तो एवोल्यूशन इज अ ब्यूटिफुल जर्नी. Correct. Definitely. And if you want to start this journey, today is the day when you give them a call. 800-YOGA. That's 800-9642. Thank you so much, Bharat Ji, for joining us today. It was a pleasure. Ye conversations hum continue karne wale hain on hashtag trending also. Every single day, 1 se leke 2 o'clock ke beech mein, we have this chat and we will also, in fact, do something really special. Himalayan Challenge 2.0. Yes. Jo ki aapka तरीका है टू गिव बैक टू योरसेल्फ एंड पार्टिसिपेट इन दिस बाय सेंडिंग अस अ मैसेज ऑन 689. अब तो सब व्यूअर्स अप्लाई कर सकते हैं. उनको हम लोगों से चुनेंगे, चुनकर फिर उनको ट्रेन करेंगे और 90 दिन में बताएंगे कि आर्टिस्टिक योगा क्या कर सकता है. बिल्कुल. सो दिस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी इज ओनली फॉर 3 months एंड इमेजिन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ. यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. सो हिमालयन चैलेंज 2.0 अपने लिए आज ही ले लीजिए. योगा स्पेस अपना नाम, एज और करंट बॉडी वेट आपको भेजना है 689 पे एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री. या एंड इट इज फ्री प्लस अगर आपने सबसे ज्यादा वेट लूज किया तो प्राइजेस भी है. ह्यूज प्राइस. या सो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट इन दैट एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस. लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन ऑन द शो. बाय बाय. Well, I don't know about रानी बनने का, but अगर आपको फिट बनना है अपनी लाइफ में, then this is the hour which is dedicated to you because from today we're starting something really special. Radio 4 Yoga Hour with Shruti, brought to you by Bharat Thakur Artistic Yoga. Radio 4. Absolutely correct. This is Yoga Hour which is brought to you by Bharat Thakur Artistic Yoga, and the man himself is going to join us every Saturday to talk about yoga with us, and he is in the studios. Thank you so much for joining us. Hi today. Hi everyone. Hi all listeners. And also let me tell you that if you've been thinking about getting into yoga, if you want to start your yoga journey, then 800 yoga jo hai wo aisa number hai jo aapko by heart kar lena chahiye. Actually yaad karne ki zarurat hi nahi padegi. 800 yoga is so simple. 800-9642 is where you call up for any inquiries you have around yoga. But today we're going to be talking about something completely different na. Aaj hum log सिर्फ फिटनेस की, मतलब वो बॉडीली फिटनेस की नहीं, हम मेंटल फिटनेस की बात करने वाले हैं. जैसे कि हम बात करते हैं अबाउट हाउ सोशल मीडिया के ऊपर, इनफैक्ट इसकी काफी सारी यू नो वीडियोस हमने देखे हैं, ये एक जागन की तरह यूज होता है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. हमें बताइए ना इसके बारे में कि एग्जैक्टली व्हाट इज इट एंड एंड हाउ द करंट जनरेशन इज इम्पैक्टेड बाय दिस. क्या होता है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि ये फिजिकल सिम्टम है या मेंटल सिम्टम है. कि क्या आपका गट हेल्थ ठीक है जिसके कारण आपका सेरोटोनिन लेवल ब्रेन में कम हो रहा है. हमें ये पता है कि गट में ही वो बैक्टीरिया है जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है जिससे आपके स्ट्रेस मैनेज होता है. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज नाउ अवेलेबल ऑन द साइंटिफिक कम्युनिटी सजेस्टिंग दैट योगा एक ऐसा मेथड है जिसको हम कहते हैं ना मूवमेंट मेडिटेशन. यानी कि आप अपने शरीर के साथ कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ होल्ड करते हैं जिसके कारण आपके जो रिलैक्सेशन के जो हार्मोन है सेरोटोनिन रिलैक्सिन ये सब सब हार्मोन रिलीज होता है. तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा अपने ह्यूमन बॉडी को. जैसे पता नहीं मुझे जब कभी थोड़ा भी टेंशन होता है ना मेरा वो गले के नीचे दर्द शुरू हो जाता है, किसी को कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, मोस्ट कॉमन चीज है जो कि किसी आपको को physical... सीने में. तो ये सीना नहीं, ये कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क फ्यूज हो रहा है. है ना. और न्यूरल नेटवर्क फ्यूज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो कई सारे ऑर्गन्स को फंक्शनली डिसबैलेंस करता है. You know, and that functional disbalance leads to today diabetes, today lead to strokes, leads to heart problem, leads to n number of cancer, leads to n number of issues.
सो योग कहता क्या है? योग कहता है, देखिए हमारा जो फिलॉसफी है, हमारा जो, इसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र मतलब जो दिखता है, है ना। कोई योगा करता है तो वो दूर से दिखता है कि हाँ ये योगा प्रैक्टिशनर है, और उसके चेहरे पे ग्लो होता है। और ग्लो कैसे आएगा? जब आपका इंटरनल ऑर्गन्स बढ़िया काम करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलर सिस्टम, आपका क्या बोलते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है, हार्मोन्स, हम जैसे भी है वो हार्मोन की वजह से है। वो हार्मोन क्या है, कैसे, किस तरह से ये हार्मोन, जैसे टेलोमरेज पे जब रिसर्च हुआ, टेलोमरेज एक एंजाइम है, जो हमारा जो डीएनए है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण वो टेलोमरेज एंजाइम धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस से हमें, प्रोलॉन्ग एंजाइटी से हमारे जो ब्रेन है वो भी साइज भी धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। ओह वाओ, यू नो व्हाट आई मीन। सो यू विल सी इश्यूज लाइक लॉस ऑफ मेमोरी, इरिटेबिलिटी, नॉट एबल टू टेक गुड डिसीजन मेकिंग, नॉट एबल टू फील कंफर्टेबल इनसाइड। क्या देना, बस खुश नहीं हूँ। पैसा तो आ गया, शोहरत आ गया, सब आ गया, लेकिन मैं अब खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने शरीर, मन, दिमाग सबको उसको बनाने में लगा दिया है, यू नो। सो थोड़ा सा एक पॉज है, है ना? योगा क्या करता है कि एक घंटा यदि आप अपने बॉडी, देखिए योगा का जो प्रोसेस है वो बहुत पावरफुल है। कहते हैं योग के बारे में बताएगा, व्हाट इज योगा यदि पूछे तो, योगा चित्ता वृत्ति निरोध। योगा में कहीं इनिशियल जो डिस्कशन है योगा का, चित्त मतलब माइंड, माइंड नहीं है, चित्त के भी कई हिस्से हैं। अच्छा, है ना। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि किसको कहते हैं, जो पूरे डिसीजन मेकिंग करता है, जो पूरी प्लानिंग करता है, यू नो। बुद्धि, स्मृति जो याद है, याददाश्त है आपकी, वो जो मेमोरी, जो पूरा आप कौन हो। सोचिए कल सुबह एक डिजीज होगा जिससे आपकी मेमोरी ऑफ हो गई, तो आप कौन रह जाएंगे? करेक्ट, है ना। फियर, फियर, फियर से क्या, फियर हमारे बॉडी में फाइट और फियर बहुत अच्छा ऑर्गन है, यू नो। तो ये सब जोड़कर योगा किस तरह से डीपली इम्पैक्ट करता है अपने टिश्यूज को, यू नो। यू विल लुक हेल्थ, नॉट ओनली हेल्दियर। हम लोग क्या सोचते हैं कि योगा करने से हम सिर्फ बॉडी वेट कम कर रहे हैं, योगा करने से हम अपने बॉडी फिगर अच्छा हो जा रहा है, साइज जीरो जिसको जो पॉपुलर हुआ था, जो शुरू किया था 1990s में, यू नो। सो बट व्हाट एक्स्ट्रा वेट डज टू योर बॉडी, इट डिसरप्ट्स योर होल हार्मोनल बैलेंस। सो आज उस एक एक हार्मोन किस तरह से सेरोटोनिन, रिलैक्सिन, किस तरीके से ये जो अपने बॉडी में जो डिसबैलेंस होता है ना, कि आप कार में बैठे हैं और धीरे से एक सरदर्द लेफ्ट साइड में चालू हुआ, एंड यू आर पॉपिंग इन पिल, इट्स नॉट गोइंग एनीमोर, बिकॉज हम रूट को क्योर नहीं कर रहे। रूट कहाँ है? रूट है हमारा लाइफस्टाइल। हमने कितने देर सोया, यू नो। सोना हम कहते हैं, बस सो कहते हैं ना, यू नो, 1940 से 1960 तक में हम लोगों ने एक घंटा स्लीप कम कर दिया, है ना। 60 से 80 आते आते एक घंटा और कम हो गया। तो क्या आप एक घंटे सोकर आप जिंदा रह पाएंगे? देखिए, एक दिन आप रात भर जग जाइए, अगला दिन का हालत देखिए कैसा होता है। Yes, we've all been there. पूरा मतलब एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन जैसा स्पेस आ जाता है, कि बस अब मुझे बात नहीं करना, मुझे कहीं जाके सो जाना है, यू नो। एंड वी आर नॉट स्लीपिंग वेल फॉर मंथ्स नाउ, इयर्स नाउ। अब इंसोमनिया जैसी प्रॉब्लम आ गई। सो हम ये ना कहें कि डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन का रूट कॉजेस के तरफ जाते हैं। डिप्रेशन हुआ क्यों, क्यों हुआ, है ना। कि हाँ, आप डॉक्टर को जाके बोल सकते हैं कि यू नो आई एम फीलिंग एंग्जाइटी, पर एंग्जाइटी का एंटी डिप्रेसेंट सिर्फ इलाज नहीं है। बिल्कुल, जो पैनिक स्पेस में आ गए हैं, जिसको डॉक्टर की मदद चाहिए, वो प्लीज डॉक्टर से मदद करें। हम योगा टीचर्स हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। लेकिन हम लोग प्रिवेंशन की जो मेथडोलॉजी योगा में है ना, कि जब पतंजलि इज अ सेज हु एक्चुअली ब्रॉट डाउन योगा टू द वर्ल्ड, यू नो, नहीं तो आज हम योगा को नहीं जानते थे। तो वो कहते हैं कि उन्होंने सीधा माइंड की बात की, डेफिनेशन योगा चित्ता वृत्ति निरोध। योगा इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टॉप ऑल द मॉडिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन माइंड। यदि आदमी खाली बैठेगा,
बिल्कुल खाली बैठेगा तो क्या हो सकता है उसके साथ, यू विल जस्ट रन वाइल्ड अपना दिमाग इधर उधर। तो उन्होंने नेक्स्ट सूत्र में कहा कि वृतयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, लिटिल संस्कृत आई एम यूजिंग सो दैट वी नो दैट दिस साइंस इज 5000 ईयर ओल्ड, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग, दिस हैज बीन रिसर्च पास थ्रू द टाइम, वी हैव गॉट देयर एंड नाउ योगा इज दैट एवरी, मतलब हम हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस है जहां पर डॉक्टर लिखता है भरत ठाकुर आर्टिस्टिक योगा, यू नो, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट डेफिनेटली डेफिनेटली। प्लस हमारे पास 84 लाख आसन है, सो एक बोर्डम का जगह नहीं है, कोई और फॉर्म में जाएंगे जैसे आर्टिस्टिक योगा जो स्कूल है उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यू विल नॉट मीट द सेम क्लास अगेन, बहुत टाइम लगेगा टू कम बैक टू द सेम क्लास प्रोबेबली। यस यस, तो कहने का मतलब इतना कोई भी चीज का नया लर्निंग जहां होना वहां ब्रेन सेल्स ग्रो करने लगता है। राइट, जैसे आप रोज सिर्फ बैकवर्ड वॉक करना शुरू कर दें, 500 कदम आप सिर्फ पीछे चलने लगे एंड यू विल सी अ क्लासिक डिफरेंस इन योर ब्रेन एबिलिटी। ओके, एक लाइन खींच रहे मन मन में, लाइन 500 मीटर का लाइन खींचना तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन यदि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हम सिर्फ आगे गए 500 कदम और 500 कदम पीछे आए तो आपका सारे बैलेंस के सारे चेंज वायरिंग चालू हो जाएगा। तो क्या होता है, ब्रेन सेल सो जाता है। ओके, अब उसको जागृत करने के लिए नए नए स्किल, नए नए टेक्निक्स, नई नई चीजें, उसको जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होगी। ओके, जब तक आप जानते रहेंगे तब तक डिप्रेशन जैसी बीमारी नहीं होगी, वो माइंड स्टिल और खाली जी जी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये तो है कि वेस्ट ने कहा empty mind is devil workshop, और योग कहता है empty mind is God's workshop। Okay, very different, yes. Yes. But ये आप जो empty mind की बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा different है। वो शून्य समाधि की बात कर रहे हैं। जब देखिए मेडिटेशन में हम लोग थॉट को नैरो करते हैं, थॉट से लड़ाई नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द मिसकंसेप्शन अबाउट मेडिटेशन योगा एंड ऑल इज दैट दे थिंक दैट अरे बैठ जाना होगा और सारे विचारों को खत्म करना, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन एक क्राफ्ट है, एक क्राफ्ट में सो डिप्रेशन जैसी बीमारी, एंग्जाइटी जैसी बीमारी, जो प्रैंक जो नर्वसनेस जैसी बीमारी होने लगी है आपको, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर है कि आपके बॉडी में कहीं कुछ ठीक नहीं है, है ना। आप प्लीज खाने पे ध्यान दीजिए, यदि आप बहुत ज्यादा बाहर खाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब आपने पेट को डस्टबिन बना चुके हैं, मतलब जो भी मिल गया खा लो, बिकॉज वी आर ऑन द रन, राइट, प्लीज कैरी, ग्रैब एंड गो, यस, प्लीज कैरी योर डब्बा ऑफ फूड। पहले होता था ना हम टिफिन लेके चलते थे, वो भूल गए हैं, यू नो व्हाट आई मीन, कहीं भी जाकर के कुछ भी खा लेंगे और वो खाने के बाद क्या होता है, धीरे से स्टमक में जो हार्मोनल जो स्वर के जो डाइजेस्टिव जूसेस है वहां पे फर्क आने लगा, वहां पे फर्क आने लगा, तो ब्रेन को एक इंडिकेटर मिलने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। भले वो एक छोटा सा चीज था, वो खाना ठीक नहीं था, और ब्रेन उसको फिर माल फंक्शन की तरफ, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, पेट में कुछ वो चीजें आई है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया, सिंपैथेटिक ड्राइव में चला गया। बॉडी जो माइंड है ना वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, और उस सिलसिले में कुछ जो शुगर स्पाइक है वो बढ़ जाता है। जैसे आप एक कॉफी पीते हैं, है ना, बहुत आई डोंट से डोंट ड्रिंक कॉफी, कॉफी इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड यू नो, बट मैं लेके बैठी हूँ भी। जी हाँ, लेकिन क्या करेगा वो स्पाइक करेगा और फिर ढीला कर देगा, यू गॉट व्हाट आई मीन। सो आपने यदि नॉर्मल रहते ना, यदि हम बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं लेते तो एक एवरेज एनर्जी लेवल चलता रहता, राइट, और वो एवरेज एनर्जी लेवल लंबा टाइम तक वो नेचर का नेचर ना अपने आप को हार्नेस करने की कोशिश करता है, नेचर अपने को हील करने की कोशिश करता है, नेचर कीप्स यू, यू वोंट बिलीव इतना बड़ा, दैट्स व्हाई वी से द ची, जो जो चाइनीज ची बोलते हैं, योगा लैंग्वेज में उसको प्राण बोलते हैं, सो वो जो प्राणा का जो फ्लो है बॉडी में वो कैसा है, और जैसे प्राणा का फ्लो होगा वैसे ही आपका ब्रेन बिहेव करेगा। सो योर ब्रेथ इज की, दैट्स द की फॉर योर गुड हेल्थ। सो इन नेक्स्ट लिंक वी विल टॉक
इन डेप्थ अबाउट हाउ बॉडी रिएक्ट्स, ये होता क्यों है. मतलब मुझे ये नर्वस, मैं तो पहले ठीक था, अभी 15 दिन पहले तो मैं ठीक ही था, ये 15 दिन से पता नहीं क्यों ये मेरा मुंह में ड्राइनेस आने लगा है, पता नहीं चक्कर सा आने लगा है. तो एक छोटा सा इंडिकेटर है कुछ ठीक नहीं है. और इसका सबसे आसान तरीका, डू मीट डॉक्टर, डू टेक हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट इफ यू नीड इट, बट इफ यू वांट अ परमानेंट क्योर, go to the yoga class. Mm-hmm. 1 hour every day, detox your body, let your body heal. You know, medicine can give a temporary relief, but if you want a cure, you want that, okay, till 100 I should be agile in my mind, till 100 I should have the best memory, till 100 I should be able to walk, not limp. Then dekhiye, मोस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में सारे लॉन्ग मसल्स का यूज होता है. लाइक इफ यू डू साइक्लिंग, इट्स द क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स एरिया जो थाई का फ्रंट एरिया. यू डू मसल ट्रेनिंग फॉर योर अपर बॉडी इन द जिम. बट योग क्या कहता है, एक एक छोटे से छोटे मांसपेशियों के लिए, 84 लाख आसन है, एक से एक छोटे से छोटे मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज देना. So it's not about how much weight loss you have done. Believe me, the pandemic is yet to happen to mankind, and that will be mental. Okay. Mental issues. That is worrisome. Mental health. Right. Mental health. Yeah. Because today you are spending a lot of time on that blue light. You're spending a lot of time on seeing content that is not good for you. Correct. You know what I mean? Incomplete content. बोलते हैं रील भी आजकल 1 मिनट का है, तो 1 मिनट में आदमी क्या सीखेगा? बराबर है ना? तो वो 1 घंटे का टाइम धीरे धीरे ओरिएंट कीजिए अपने बॉडी को. मेक श्योर दैट व्हेन यू डूइंग योगा, ड्रॉप एवरीथिंग आउटसाइड द क्लास. हम लोग ये कहते हैं अथ योग अनुशासन, अब योग का अनुशासन. कहने का मतलब वरी को बाहर छोड़ के आइए और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपने बॉडी को, अपने बॉडी और माइंड. ज्यादा वेट लॉस या फिगर करेक्शन या जॉ लाइन या डबल चिन या डार्क आई सर्कल, वो ठीक तब होगा जब अंदर ठीक होगा. राइट. आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल माय योगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ हाउ डू यू फील. हाउ डू यू फील? Correct. And how are you feeling? If you're liking what we're talking about right now, if you've got a question or something, aap bhi message karke hume pooch sakte hain. Of course, as you know, that Yoga Guru, Dr. Bharat Thakur is in the studios and we're having this conversation about depression, anxiety and stress today. Toh agar aapka koi sawaal hai isse related, 6889 pe aap bhej sakte hain. You can also hit me up on my Instagram. I can let you know. Aaj Shruti is the place. And of course, if you've got any questions. We're talking about now mood. Mood se. Mood. Yeah. इनसाइड आउट वाली मूवी का जो मूड का जो स्विंग होता है, मूड स्विंग होता है, वो क्यों हो रहा है? क्यों कहीं ना कहीं ब्रेन रेपिटेशन में चला गया है. सोच जब विचार, जब एक ही विचार बार 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 बहुत देर तक आप अपने अंदर रखने लगते हैं ना, तो वो मूड स्विंग्स देने लगते हैं. You got what I mean? क्योंकि वो नए विचारों को आने नहीं देगा. जैसे अ लॉस, अ फियर. मतलब एक आदमी है जो बढ़िया नौकरी कर रहा है, पर दिमाग में कीड़ा पाल लिया, नौकरी चली गई तो ओके, उसका तो हम अब उसका क्या इलाज है? हां जी. इंस्टेड ऑफ डूइंग अ गुड जॉब एट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लिविंग इन फियर. यू आर लिविंग इन फियर. सो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूजन खुद खड़ा कर रहे हैं. और वो, और ये नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी. दैट सरेंडर, बिलीव, फेथ ऑन वन सेल्फ. क्योंकि हम अपने ऊपर ना कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं. खोते चले जा रहे हैं. यू नो, लाइक पहले ड्राइवर, पहले खुद ड्राइव करते थे. अब पता नहीं क्या हो गया, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो ड्राइवर रखना होगा. सो चीज, पहले हम लोग घर की सफाई खुद करते थे, अब मशीन डाल दिए. तो वो घर की सफाई में जो नॉन प्रोडक्टिव लेबर है ना, व्हाट इज स्ट्रेस? When you stop doing the non-productive labor, non-productive labor, just say watering of the plant, playing with kids, chote chote cheeze hai mere, and every day, just giving that 1 hour, with, kehte na, by anyways, this 1 hour is me time, which I will use it for yoga and meditation. Okay, so if you've got a question, like I said, 6889 pe aap message kar sakte hain. You can always call upon 800 yoga because they'll help you out, start your journey and get rid of these new age problems that we are facing these days because of so many things that are happening on the internet. We are in conversation with Dr. Bharat Thakur right here from Bharat Thakur Artistic Yoga.